मतलब टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि करने वाले तो आप हैं। टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू एडवांस और उसके साथ हमें जीना ही है, तो इनफैक्ट व्हाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। इवन टुडे देयर आर टूल्स वेर इन यू कैन जस्ट प्रॉम्प्ट कि दिस इज द काइंड ऑफ ऐप आई वांट, आपको बेस प्रोग्राम बना के मिल जाएगा। मतलब ऐसा इंटरव्यूज वगैरह भी एआई से कंडक्ट होने लगेंगे तो हम यहाँ एक्चुअल में बैठे एआई इंटरव्यू चल रहा है। Recently Ranveer Singh and even Anil Kapoor, they went and registered their face, their likeness and their voice so that other brands or other people technically can't misuse the face or the brand or the likeness. So ChatGPT use karunga to create lyrics. Okay. Sounding like a song. कोई ये नहीं बोल हाँ कि ये AI से create किया हुआ है। And the technology is so good now, that shoot can maybe not even last more than half an hour, 45 minutes, and that much content is good enough to create a video as per. अगर आप कोई ब्रांड एंडोर्समेंट रिलीज कर रहे हो और साथ में ये बता रहे हो कि AI से जनरेट किया हुआ है, तो यू आर टेकिंग अवे द एक्साइटमेंट फ्रॉम द पर्सन हू इज व्यूइंग इट। AI की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो इट कैन डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ह्यूमन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो अलग अलग तरीके से कर सकता है, बिकॉज दैट्स वेयर बोथ कैन नॉट रिप्लेस प्रॉब्ली ईच अदर। यू हैव बीन इग्नोरिंग ऑल माय अर्लियर मैसेजेस, सो नाउ आई हैव डिसाइडेड टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। You remember what happened 10 years back, right? I saw that video where the girl had mentioned you and all. What happened there, boss? Arey boss, even I am wondering ye kya chal raha hai. Well, it's a case of cyberbullying aur kya hai. But 10 years back and all, I mean, she's talking, when is she talking about? Abhi mujh pe kuch allegations लगाए गए थे, video था जिनका नाम मैंने लिया नहीं, मैंने उनको लेडी एक्स वगैरह कहा कि इनकी आइडेंटिटी मैं रिवील करूँगा। अभी मैं तो काफ़ी टेंस था, आई वॉज रियली एंग्शियस और डिप्रेस्ड, लेकिन थैंकफुली मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जो भी कहूँगा डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएगा। आप मेरे साथ काम कर रहे हैं, कुछ पॉडकास्ट हमने शूट किए हैं, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ये कौन है, क्या है? सी आजकल सबके पास टेक्नोलॉजी इतनी पहुंच गई है, एंड समटाइम्स इट आल्सो गोज टू द रॉन्ग हैंड्स, करेक्ट, एंड फिर उसका वो गलत यूटिलाइजेशन करते हैं, एंड कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है। ओके, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गई है, ऐसा है। अभी देखिए, इसमें दो चीज़ हो सकती है, या तो इन्होंने कुछ तो जो भी ये है लेडी, इन्होंने मुझसे कुछ तो निकलवाने के लिए या कोई फ़ायदा लेने के लिए ये चीज़ की है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये किसी और ने किया है, और तीसरी पॉसिबिलिटी कि ये सब कुछ सच है। मैं पहले तो बोल देता हूँ कि जो भी एलिगेशंस लगे, जो भी कहा गया है वो झूठ है। हाँ। तो वो पॉसिबिलिटी आउट हो जाती है। अब हाँ। बचती है दो पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ का इस्तेमाल अब मैं तो खुद करूँगा नहीं। हाँ। मेरे बारे में मैं क्यों ऐसा कहूँगा, ठीक है? तो अभी ये जो थे, जो वीडियो आपने देखा, इसकी आइडेंटिटी मैं रिवील कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट की गई लेडी है, और जो भी इन्होंने कहा वो सब इनसे कहलवाया गया था। और आपने स्टार्टिंग में कहा कि ये जिसने किया है मतलब टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि करने वाले तो आप हैं। तो आप अपने आप को गलत हाथों में गए हैं ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी सब रिवील तो करना पड़ेगा कि ये क्या था, क्या है ये सब। सी द रीज़न वी डिड दिस फर्स्ट कि लोगों को भी समझ में आए कि ये चीज़ें आजकल बहुत इजी है करना, करेक्ट, एंड आजकल ऐसे स्कैम्स होना बहुत इजी है, और ये किसी के साथ भी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इसका अच्छा यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात है, पर ऐसे लोग भी होते हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। सो वी शुड बी अवेयर कि ये चीज़ें हो सकती हैं, एंड वी शुड हैव एन आई टू फिगर आउट थिंग्स। तो अभी इसमें ये है, जैसे हमने तो एक कैंपेन की तरह इस चीज़ को किया था कि ये कोई सीरियस बात थी नहीं, लेकिन कभी सोचिए कि कोई आदमी है exactly. इसके साथ अगर इसका मिसयूज़ हो गया, इसका अभी सोचने जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी मतलब, क्योंकि हमने एक ऐसा वीडियो रिलीज़ किया था, तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ऐसा देखा जाए कि पीपल कैन गो टू एनी एक्सटेंट, तो कोई एक्स रिलेशनशिप है उसमें किसी को किसी से बदला लेना हो तो कुछ ऐसा डीप फेक वीडियो फेक क्रिएट कर दे, कि जिसमें किसी को फिजिकली असॉल्ट किया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है और फिर उसके बेसिस पे उसे ब्लैकमेल किया जाए, तो काफ़ी डेंजरस चीज़ हो सकती है. दैट इज़ राइट. एंड अगेन उसको ट्रैक बैक करना कि किसने किया है, कभी किया है, बहुत डिफ़िकल्ट है. एंड अभी भी किसके पास ये टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, वैसे कोई लॉस तो है नहीं. एंड वी ऑल्सो मे बी डोंट वांट दैट. अगर वो होने लगेगा तो फिर कभी कभी सही हाथों में भी नहीं पहुँचेगी टेक्नोलॉजी. सही बात. फिर वो बैन वैन कंट्री के लेवल पे अगर हो गई तो इस चीज़ से जिसका बिजनेस चल रहा है, जिनको फ़ायदा मिल रहा है, उनको भी नुकसान है इस चीज़ का. तो अभी इसमें जैसे प्राइमरीली हम आज ये AI का यूज़, बाय द वे जो ये हुआ है, जो ये टेक्नोलॉजी है, उसको ब्रॉडली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, राइट? ट्रू. ये उसके एक बड़ी अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है. और ये जो हमने किया था इसे डीप फेक कहेंगे अपन, क्या कहेंगे? डीप फेक बेसिकली होता ये है कि आपने एक वीडियो रिलीज़ किया है जो एक्चुअल में ऐसा कोई आदमी नहीं है और ऐसा कोई कंटेंट फिजिकली रियल में प्रोड्यूस हुआ नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसे डिजिटली प्रोड्यूस किया है, राइट? करेक्ट. तो सम एक्सटेंड यस. सो डीप फेक इज़ ऑल्सो, अगर मैं किसी नॉन पर्सन को भी मैं उस वीडियो में डाल सकता था. हमने तो क्या किया, हमने एक ऐसा फेस क्रिएट किया जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता. बट व्हाट पीपल ऑल्सो डू इज़ कोई पॉपुलर फेस लेके उनके डाल फेक वीडियो बनाए, एंड जबकि वो थे कभी, जो उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है. तो इससे मुझे एक चीज़ दिमाग में आती है, ऐसा समझिए जो बड़े सेलिब्रिटीज़ है जो ब्रांड इंडोर्समेंट्स वगैरह करते, जो बहुत बड़े नाम है उनकी तो बात अलग है क्योंकि उनका एक फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन जो एक कैटेगरी B या C या ऐसे है जो थोड़े नोन है नहीं है, स्पेशली मॉडल्स है, अगर उनको ब्रांडेड क्लोथ्स में उनका यूज़ होता है या ज्वेलरी में उनका यूज़ होता है, तो शायद अब तो ऐसा हो जाए कि आप एक आर्टिफिशियल फेस क्रिएट कर दो और वो मॉडल्स की, एक्चुअल मॉडल्स की ज़रूरत ना पड़े. दैट्स ट्रू, दैट इज़ पॉसिबल. बट आई वुड रादर से कि दिस इज़ द राइट टाइम टू क्रिएट कॉन्टेंट. बाय कॉन्टेंट व्हाट आई मीन इज़, इफ़ यू रियली वांट टू बिकम एन एक्टर और अ मॉडल, तो आपको आपके फेस का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा. करेक्ट. नाउ इफ देयर इज एन एक्टर लाइक दीपिका पादुकोण, करेक्ट, दैट फेस हैज़ अ वैल्यू. करेक्ट. ब्रांड्स विल पे फॉर दीपिका पादुकोण टू बी देयर. करेक्ट. अंटिल अनलेस यू आर नॉट पॉपुलर विथ योर फेस, आपका वैल्यू ही नहीं बनेगा. करेक्ट. टू बी ऑन दी इन दी वीडियो और इन दी ब्रांड कैंपेन एंड ऑल दैट स्टफ, देन यू कैन बी इजीली रिप्लेस्ड. करेक्ट. सो नाउ I personally feel each and every actor who's an aspiring actor needs to become an influencer on social media, because वो ही करने से आपके फेस का वैल्यू बढ़ेगा, आपके आपका खुद का ब्रांड बनेगा. करेक्ट. एंड देन यू कैन आगे जाके उसको मोनेटाइज कर सकते हो आप. करेक्ट. तो इससे मुझे हाँ ये एक आइडिया आ रहा है कि अगर समझो मैं कोई एक्टर हूँ, समझो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सैफ अली खान का एग्जाम्पल लेते हैं, वो काफ़ी चिल्ड आउट लाइफ है, उनका हॉलीडे वगैरह करते हैं, तो वो तो ये चीज़ कर सकते हैं, वो अपने फेस को एक्चुअली वो कहीं स्विट्ज़रलैंड में जो उनका ईयरली स्टार्ट वगैरह का हॉलीडे है वहाँ पे जाके हॉलीडे करेंगे. यहाँ पे कंपनी को कहेंगे करो मेरा फेस यूज़, मेरा इतना एंडोर्समेंट फ़ी है मेरे को दे दो, फिर मेरा फ्री फेस आपको जैसे यूज़ करना है, जहाँ यूज़ करो. दैट्स द फ्यूचर. तो ये तो आदमी हॉलीडे पर बैठे बैठे अपना फेस यूज़ करके एड शूट करवा सकता है. एग्जैक्टली. इससे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ खुल जाती है. इनफैक्ट दिस ब्रिंग्स मी टू वन मोर थिंग. अगर अपन मूवीज़ के हिसाब से या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो अगर आपकी एक एज हो गई है, अगर आपको आपका यंग अवतार प्रोड्यूस करना है, जैसे कि अभी बहुत सारी मूवीज़ में फ्लैशबैक वगैरह होता है कि एक चाइल्ड एक्टर है वो बड़ा होता है, तो उसका जो व्हेन ही वाज अ टीनेज तभी उनका कैसा लुक था, तो ये सारी चीज़ ये आई तो आसानी से सॉल्व कर. वेरी इजी नाउ टू डू ऑल दैट स्टफ. ओके. और ये बीच में आप बता रहे थे, अपनी बात हुई थी कि लिंक्डइन के CEO है, लिंक्डइन वेबसाइट जो सब यूज़ करते हैं, उनके CEO ने भी कुछ ऐसा क्रिएट करके दिखाया था. नॉट द CEO, ही इज़ द को फाउंडर ऑफ लिंक्डइन. ओके. एंड इज ऑल्सो ऑन माइक्रोसॉफ्ट का बोर्ड. उनका नाम, हिज नेम इज रीड हॉफमैन. रीड हॉफमैन. ओके. एंड ही इज एक्चुअली अ वेरी गुड ओरेटर. ही हैज़ लॉट्स ऑफ बुक्स ही हैज़ रिटन एंड ऑल द स्टफ. नाउ दिस इज द रीज़न आई ऑल्सो से कॉन्टेंट बनाना बहुत नेसेसरी है, because he had written so many books already. What he did was he created his own GPT, जैसे ChatGPT है, तो उन्होंने अपने ऊपर एक GPT बना दिया. Okay. Wherein उस GPT ने उनके books go through किए as a data. So that GPT went through all his books, all his tweets, all his podcasts that he had done, all his talks that he had done. So now उस GPT के पास उसका काफ़ी knowledge है, data है. Correct. तो उन्होंने क्या किया, एक GPT बनाया, और जैसे हम technically in the video industry as well. We have now started making video avatars and voice clones. तो उन्होंने वो भी किया एंड उस GPT को एक फेस दे दिया अपना खुद का. एंड उन्होंने एक रिसेंटली एक वीडियो निकाला वेयर ही इज इंटरव्यूइंग हिमसेल्फ. ओके, और वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो ऑटोमेटिक जवाब उनसे आ रहे हैं. सो इनफैक्ट देयर इज अ पॉइंट इन द वीडियो, ही बीइंग द लिंक्डइन फाउंडर, वो क्या करते हैं अपने लिंक्डइन पेज का स्क्रीनशॉट निकालते हैं और उस GPT को दिखाते हैं कि दिस इज माय लिंक्डइन पेज एंड सजेस्ट मी इंप्रूवमेंट्स ऑन माय पेज. वो उनको सजेशंस देता है एंड ऑल दैट स्टफ हैपेंस इन द. तो ये तो फिर मतलब ऐसा इंटरव्यूज़ वगैरह भी एआई से कंडक्ट होने लगेंगे तो हम यहाँ एक्चुअल में बैठे हैं एआई इंटरव्यू चल रहा है हमारे यहाँ कैसे ही हो. हाँ, आप जैसे आप सैफ अली खान का एग्जांपल दे रहे थे, आप बैठे होंगे हांगकांग में और आपका पॉडकास्ट चलते रहेगा इधर. हमें इतना बड़ा पहले बन जाने दीजिए, फिर वो सब करेंगे हम. लेकिन हम तो फिजिकली यहाँ पे बैठे हैं, व्यूअर्स ऐसा ना समझे ये भी एआई से इन्होंने डाल दिया है, हम तो फिजिकली आज यहाँ बैठे हुए. मुझे दूसरा ये चीज़ आपसे पूछना था कि अगर अभी जैसे जॉब फियर काफ़ी फैल चुका है वर्ल्ड में, सब जगह बातें हो रही है कि ह्यूमंस की वैल्यू कम हो जाएगी, जॉब लॉसेस होंगे, क्या ऐसा होगा एआई से? सी, आई हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन अबाउट एआई. करेक्ट, आई ट्राई टू गिव दिस आंसर विद सम एग्जांपल्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू. आई कम फ्रॉम द कंटेंट प्रोडक्शन कम इंडस्ट्री एंड स्टफ. करेक्ट, सो I personally feel आगे जाके राइटर्स आर गोइंग टू बी द पर्सन जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इन द होल प्रोसेस. करेक्ट, आज वॉट एवर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट्स हैपन, द मेन रीज़न ऑफ दैट इज़ टू कट डाउन द टाइम गैप बिटवीन थॉट एंड द फाइनल प्रोडक्ट, एंड बिटवीन इम्प्रूव द क्वालिटी एज वेल. करेक्ट, सो आज टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो रही है कि विथ एआई आई कैन जस्ट इनपुट सम प्रॉम्प्ट्स एंड आई कैन जनरेट अ शॉर्ट 4 सेकेंड वीडियो एज वेल. करेक्ट, आगे जाके ये 4 सेकेंड विल डेफिनेटली बिकम अ 3 आवर लॉन्ग वीडियो. करेक्ट, सो अंटिल अनलेस यू आर अ वेरी गुड राइटर एंड अ गुड राइटर कैन गिव वेरी गुड प्रॉम्प्ट्स. सो इमेजिन द पावर दैट राइटर विल हैव. द राइटर विल बिकम द डायरेक्टर, द राइटर विल बिकम द सिनेमाटोग्राफर. करेक्ट, वो जैसे विजुअलाइज करते हैं वो वैसे कर लेंगे एंड वो आउटपुट आएगा. करेक्ट, करेक्ट. सो आई इनफैक्ट फील इतना अच्छा बात है ये कि द टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग सो मच, इट विल इनफैक्ट एम्पावर यू. एंड एट प्रेजेंट आई से दिस इज लाइक अ को पायलट, योर असिस्टेंट विथ यू. सो लेट्स कम आउट फ्रॉम द कंटेंट स्पेस, लेट्स से टेक स्पेस इटसेल्फ. इफ यू आर अ प्रोग्रामर टुडे, इनफैक्ट इवन टुडे देर आर टूल्स वेयर इन यू कैन जस्ट प्रॉम्प्ट कि दिस इज द काइंड ऑफ ऐप आई वांट. आपको बेस प्रोग्राम बना के मिल जाएगा. देन व्हाट आई वांट इज ट्वीक्स. सो अ गुड प्रोग्रामर विल बी एबल टू डू द राइट ट्वीक्स. करेक्ट, करेक्ट. तो इट्स लाइक उसका एक को पायलट है, उसका असिस्टेंट है साथ में. करेक्ट, एंड इमेजिन द एफिशिएंसी यू हैव नाउ. करेक्ट, आई हैव अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक व्यू अबाउट इट. इनफैक्ट थिंग्स आर गोइंग टू बिकम मच बेटर एंड एवरी पर्सन विल बी मच मोर एफिशिएंट देन दे वर बिफोर. करेक्ट. दूसरा एक पॉइंट ये भी है कि ह्यूमंस का एक टेंडेंसी होता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या कुछ नया आता है तो वो सबसे पहले थोड़ा पैनिक में रिएक्ट करते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा. जैसे कि अपन हिस्टोरिकल डेटा देखें तो जितनी टेक्नोलॉजीज आई है, इट्स फनी इनफ, तब हर बार लोगों को लगा कि इससे लोगों की नौकरियाँ जाएगी, लेकिन दोज हैव बीन एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी. अगर आप देखने जाए फॉर एग्जाम्पल पहले की बात करें जब गाड़ियाँ थी नहीं, ठीक है, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज अ वेरी गुड एग्जांपल. यस, एग्जैक्टली. तो अगर आप बेसिक सेंस में बात करें तो जब गाड़ियों के आने से क्या हुआ, पीपल स्टिल वांट ड्राइवर्स एंड ड्राइवर्स इज एन एम्प्लॉयमेंट, राइट. उसके बाद आप देखिए एरोप्लेन जब नहीं था और अब आ गया है, तो देयर इज कैबिन क्रू, देयर आर यू नो पीपल वर्किंग फॉर एयरलाइंस. सो अल्टीमेटली ये सब चलाने वाले तो ह्यूमंस ही होते हैं, तो इसके लिए तो लगता है. जैसे मुझे ये चीज़ याद है जब सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह मैसेजिंग जब आया था, तब बोल रहे थे कि पोस्ट जो था वो मतलब लेटर फिजिकली लोगों को भेजना ये चीज़ बंद हो जाएगी और हो जाएगी, लेकिन उससे कई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसीज में क्रिएट होती है जो यू नो पब्लिक को मैसेज, क्योंकि वो जब प्लेटफॉर्म मिला तो अब लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अलग तरीके से जनरेट भी तो होती है. ऑफ कोर्स, आई थिंक पीपल हैव टू अपस्किल देमसेल्फ. यस, करेक्ट. दे कांट जस्ट सिट एंड फील कि यार ये हो गया, मैंने कुछ नहीं कर सकता हूँ एंड ऑल दैट. दे यू विल डेफिनेटली हैव टू अपस्किल. But if you're able to do that, the efficiency you will gain is amazing. Correct. In fact, इसमें यही चीज़ है कि जो खुद को अपस्किल करने के लिए तैयार है वो और जो मतलब लेथार्जी में या जो प्रोक्रेस्टिनेशन में कि मैं ये चेंज नहीं करना चाहूँगा, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली जो टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करेगा वो आगे जाएगा, जो कि सही चीज़ होती है। अगर आप खुद पे काम करने के लिए रेडी हो तभी आप आगे जाओ। एग्जैक्टली, सो दैट्स द थिंग। मुझे ये पूछना था कि वीडियो अवतार जैसे बोलते हैं किसी का क्रिएट करना, तो ये क्या होता है एग्जैक्टली? वीडियो अवतार किसका क्रिएट करना? वीडियो अवतार इज लाइक क्रिएटिंग योर वीडियो क्लोन, करेक्ट? एंड वंस दैट इज डन, नॉर्मली आप वीडियो अवतार के साथ आप एक अपना वॉइस का क्लोन भी बनाओगे। एंड हमने हमारे कुछ कैंपेन्स के लिए ऐसा किया भी है उसमें। तो नॉर्मली अभी तक जितना भी हमने इसमें काम किया, हम क्या करते हैं, हम एक पर्सनैलिटी को शूट कर लेते हैं। एंड द टेक्नोलॉजी इज सो गुड नाउ, हम दैट शूट कैन मे बी नॉट इवन लास्ट मोर देन हाफ एन आवर 45 मिनट्स, एंड दैट मच कॉन्टेंट इज गुड इनफ टू क्रिएट अ वीडियो अवतार। ओके, वीडियो अवतार एक बार वो बन गया, फिर हम उस पर्सनैलिटी से जो भी बुलवाना है, जैसे बुलवाना है, कभी जब भी बुलवाना है, हम वो कर सकते हैं। सो आप कहना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई सेलिब्रिटी को साइन अप किया एक पर्टिकुलर ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए, और वो पर्टिकुलर ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए उनको 5 या 6 या 7 ऐड के क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन उनको 7 को शूट करना ज़रूरी नहीं है। उनका एक बार वीडियो अवतार बन गया, फिर वो आप उनको 7 कॉन्सेप्ट में उनका फेस, उनका वीडियो अवतार यूज़ करके ये इन अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, यस, बट कुछ कंस्ट्रेंट्स अभी भी हैं उसमें। जैसे एक बार अगर वो वीडियो अवतार बन गया, देन वो सेम ही कपड़े पहना हुआ है, ही कांट चेंज हिज क्लोथ्स, ही टेक्निकली ऑल्सो कांट चेंज हिज फिजिकल पोजिशन और फिजिकल मूवमेंट्स एंड ऑल दैट स्टफ। वंस दैट इज मेड, तो ज़्यादा फिजिकल चेंजेस उसमें होते ही नहीं है। सो एक बार अगर वो बन गया है, तो वो टेक्निकली एक ही वीडियो या कैंपेन के लिए सही है। हर वीडियो विल नीड अ डिफरेंट कैंपेन। आई विल टेल यू वेयर पीपल आर एक्चुअली यूजिंग दिस। सो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक जोमेटो। जोमेटो हैज़ डन दिस अ लॉट। इफ़ यू रिमेंबर, एक ऋतिक रोशन का एड उन्होंने किया था, वेयर ही इज सिटिंग इनसाइड अ वैन विथ हिज विथ सोल्जर्स, एंड फिर बाहर से वैन एंड एवरीवन इज लाइक कोई वॉर सिचुएशन है, और अचानक से वैन पे कोई नॉक करता है, जोमेटो का पार्सल आया, करेक्ट? तो वो ऐड उन्होंने इतना अच्छा किया था विथ एआई। उन्होंने क्या किया था, लोकेशन बेस्ड उस ऐड को बनाया था। सो अगर मैं गोरेगांव में देख रहा हूँ, एंड आई हैव टिप्स फ्रैंकी वेरी क्लोज टू मी, तो मेरे को ऋतिक रोशन बोलेगा कि मेरे को भूख लग रही थी और मैंने टिप्स फ्रैंकी से गोरेगांव से मंगाया। सो उन्होंने लोकेशन पे आउटलेट के नाम, हाँ, उनसे बोलो। तो ऋतिक रोशन हर एक लोकेशन में अलग नाम ले रहा है, correct? So this is a example of how it's used. So the possibilities are endless. In fact, we did a very similar thing for a brand called DTDC. हमने सौरव गांगुली के साथ उसमें शूट किया था, and उसमें सौरव गांगुली, तो DTDC के बहुत सारे टच पॉइंट्स हैं ऑल अक्रॉस इंडिया। तो उन्होंने क्या किया था, उनको हर टच पॉइंट के लिए एक डिफरेंट एड बनाना था। एंड ऑफ कोर्स सौरव गांगुली कांट से 14,000 नेम्स, करेक्ट? तो जैसे ऋतिक रोशन डिफरेंट आउटलेट्स का नाम ले रहा था, वैसे सौरव गांगुली हर एक टच पॉइंट्स का नाम ले रहे थे। This can save a lot of time and lot of time, lot of money, and the innovation that you can bring. Of course. फिर मैं बहुत ऐसे सुना था कि AI, मतलब AI कब से है ये, अभी से या पुराना चीज़ है ये, क्या है? People feel because last 2-3 years में what has happened is इतने कंज्यूमर बेस्ड AI टूल्स आ गए हैं, तो पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट अ लॉट, एंड AI हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 3-4 years ड्रामेटिकली, करेक्ट? जो कैपेबिलिटीज़ अभी आई हैं वो पहले नहीं थी, बट टेक्निकली AI इज़ वेरी ओल्ड, इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, इट हैज़ बीन देयर सिंस ऑलमोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। इतना पुराना है। तो तब का एक एग्जाम्पल, तब क्या था ये? ओके, सो एलन ट्यूरिंग, द मैथमेटिशियन फ्रॉम ब्रिटेन, इज़ considered the father of modern computing. Okay. And उन्होंने काफ़ी books लिखी हैं about compute and what is the human angle and how do you say कि this is a human kind of a response from a computer or not. In fact, there's something called Turing test as well, जो उनके नाम पे based है। तो World War II के time पे he developed a machine with fellow mathematicians as well, which could decode German's Enigma codes. And that was technically the start of machine learning, which is a concept in AI. Okay. Hence, it is there. In fact, let me ask you this: since when are you using email? I think 10 साल से तो ज़्यादा हुए होंगे. Of course. 15 साल। तो जिनके पास भी ईमेल अकाउंट है वो टेक्निकली एआई के साथ हैं ही, तब से जुड़े हुए। कैसे? द स्पैम फोल्डर इन दी इनबॉक्स यू हैव, हाउ डज इट नो दैट द ईमेल दैट यू हैव रिसीव्ड इज द स्पैम? करेक्ट। सो उन्होंने बहुत सिंपल एल्गोरिदम बनाया है, देयर आर अ फ्यू वर्ड्स, इफ दोज वर्ड्स अपीयर लेट्स से मोर देन 3 or 4 टाइम्स इन अ ईमेल, इन द बॉडी ऑफ द ईमेल, इट डायरेक्टली गोज टू योर स्पैम फोल्डर। करेक्ट। This is a very basic AI algorithm behind it. So basically हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा decision machine लेता है without human intervention, तो वो एक AI होता है। Yeah, yes, you can to some extent say that. Okay, yeah. जैसे email मैंने ये decision लिया Gmail ने कि ये वो particular email spam है, तो that is AI के artificial intelligence use करके उसने it came to the conclusion कि ये spam है। अगर वो स्पैम में नहीं डालता तो वो एआई नहीं होता, बिकॉज इट्स इंटेलिजेंट, दैट्स व्हाई इट्स पुटिंग इट इन द स्पैम फोल्डर। ओके, हम आपने एक बात कही थी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज खुद के फेसेस रजिस्टर कराते हैं, तो मतलब क्या वो एक कॉपीराइट जैसा कराते हैं क्या? सो रिसेंटली क्या हुआ है, एज आई सेड टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो गो टू रॉन्ग हैंड्स, तो लोगों ने बहुत डीप फेक करके बहुत रूमर्स फैलाए एंड ऑल दैट स्टफ। करेक्ट। सो रिसेंटली रणवीर सिंह एंड इवन अनिल कपूर, दे वेंट एंड रजिस्टर्ड देयर फेस, their likeness and their voice and all that stuff, so that other brands or other people technically can't misuse the face or the brand or the likeness. उन्होंने तो वो जैसे झकास बोलते हैं उनको उसको भी रजिस्टर करा दिया है ना, तो आगे जाके यही हो रहा है। इसमें कोई थिन लाइन नहीं होती, मतलब आप क्या रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे झकास वर्ड कोई रजिस्टर करा सके। तो उसमें उन्होंने ऐसा भी किया कि झकास द वे ही सेज इट इज कॉपीराइटेड, नॉट इफ आई से झकास दैट्स फाइन। तो वो जब रजिस्टर करने गए होंगे उनने 3-4 बार करके दिखाया होगा ये वाला रजिस्टर करना करने वाले को, मतलब ये अब ऐसा भी टाइम आएगा किसी ने सोचा नहीं होगा कि लोग अपने आप रजिस्टर्ड बीड़ू। ओके, तो हम ये बिडू वर्ड यूज किया इन द वे ही सेज इट। सो टेक्निकली आगे जाके क्या होने वाला है, आई दिस इज व्हाट आई फील इज, पीपल विल हैव अ रोस्टर ऑफ, ओके यू डू यू वांट अनिल कपूर इन योर एड? करेक्ट, ही कांट कम इन, हायर एन एक्टर, उसको हम डीप फेक कर देंगे अनिल कपूर के साथ। करेक्ट, उसकी वॉइस भी डाल देंगे, दिस इज द फी इफ यू वांट अ डीप फेक्ड वर्जन। अनिल कपूर माइट नॉट इवन टॉक टू यू, हिज एजेंट माइट ऑल्सो नॉट इवन टॉक टू यू और गेट इन टच विथ यू। एक प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ये उनको पेमेंट पहुंच जाएगी और आप ये कर लो। लेकिन फिर ऐसा होने से शायद बहुत ज़्यादा स्तर पर ये यूज़ होने लगे, फिर वो सेलिब्रिटीज़ की शायद जो अभी एक एक्सक्लूसिविटी है वो हो जाए। सी दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग पीपल हैव टू क्रिएट कंटेंट टू बिकम पॉपुलर, टू गिव वैल्यू टू देयर फेस। करेक्ट। वंस दैट इज़ देयर फिर आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके ये होने ही वाला है। करेक्ट। आप कितना भी पुशबैक होए, ऑफकोर्स डीप फेक के वजह से रूमर्स फैलते हैं, लोग उसके बारे में डर जाते हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, बट आई डोंट सी एनी अदर ऑप्शन, टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू एडवांस और उसके साथ हमें जीना ही है, तो इनफैक्ट वाई नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट इन आवर ओन बिजनेस और प्रोफेशन वेयर वी कैन। करेक्ट। एंड कंटेंट बनाना इतना अच्छा, जैसे द थिंग दैट यू आर डूइंग नाउ, यू आर पुटिंग आउट कंटेंट। करेक्ट। इमेजिन पीपल कैन टेक्निकली बिकम इमॉर्टल like Reid Hoffman, correct? Yes. He has his AI avatar. You keep on updating whatever content he is putting in, and then even when he has passed away, you know his thoughts, and you would know what he would respond to something, correct? Okay. Imagine, like for your kid in the future, you are not there, but he's still able to converse with a AI avatar of you. So, आपने मुझे आइडिया दे दिया, अगर मुझे कुछ हो गया तो पॉडकास्ट आगे कैसे जा सकती है? एआई के थ्रू कर सकते हैं, और आपके पास मेरे वीडियोस और ऑडियो है ही, तो आप जनरेट कर देना पॉडकास्ट। तो अभी हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ी सी इस चीज़ को लेके कॉन्जर्वेटिव है, अप्रिहेंसिव है, तो कैसे आप देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या इसे लीगल करेगी, रेगुलेट करेंगी, क्या होगा? सी वी हैव टू गो देयर, आई रियली सी नो अदर ऑप्शन, करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आई सॉ रिसेंट, बिकॉज इलेक्शंस भी चल रहे हैं, And I saw an interview between Bill Gates and Modi ji that happened very recently when he was here in India. And even the Prime Minister said ki we don't have the option. The technology is in the advancing very fast, and we have to keep up with it. He was suggesting having watermarks on an AI-generated video Okay. I personally feel that is not a foolproof solution because, again, coming from the content industry, I know how that can be fooled. Correct. So, but of course, there have to be ways and to, you know, predict or make out if there's an AI generated thing or not. तो वो है. I think इसको, sorry to interrupt, इसको ऐसे स्टेज पे रखा जा सकता है कि जो क्रिएटर है, जो टेक्निकल पर्सन है, उनको अगर पता करना है तो वो पता कर सकते हैं कि ये AI है कि नहीं. लेकिन एक नॉर्मल आदमी को हर बार बताना कि ये AI है, ये वो उसका थोड़ा चार्म भी ले जाता है ना. अगर आप कोई ब्रांड एंडोर्समेंट रिलीज़ कर रहे हो और साथ में ये बता रहे हो कि ये AI से जनरेट किया हुआ है, तो यू आर टेकिंग अवे द एक्साइटमेंट फ्रॉम द पर्सन हु इज़ व्यूइंग इट. अगर कोई लीगल प्रॉब्लम हो रही है तब जाके चेक किया जा सकता है कि ये AI से क्रिएटेड था या नहीं. बट द प्रॉब्लम इज लीगल प्रॉब्लम तक पहुंचने के पहले इफ द रूमर स्प्रेड्स तो दैट कैन हैव हार्मफुल इम्पैक्ट. करेक्ट. सो आई पर्सनली फील देयर विल बी टूल्स इन द फ्यूचर टू फिगर आउट इफ दिस इज ऑल्सो AI जनरेटेड और नॉट. एंड आई ऑल्सो सी फिगरिंग आउट कॉपीराइट in the AI world now with content. Whoever figures out copyright and figures out this gray area, I'm sure is going to make a ton load of money. Because if he can really figure out a way to market and also convince people to have a platform where they can sell their voice, their face, not that stuff, and make and have a legal bound around it, will make a shit ton of money. I'm sure ये सेलिब्रिटीज़ वगैरह लोगों तक तो ये बात पहुंची होगी और सब कॉन्टेम्पलेशन चल रहा होगा किस तरीके से इसको कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी टू बी मेड एज यू सेड. जिनकी फ़ीस ऑलरेडी हाई है नॉर्मल अपीयरेंस के लिए, अभी जैसे विराट कोहली का एग्जाम्पल ले, द अमाउंट ही चार्जेस फॉर वन इंस्टाग्राम पोस्ट, तो उनका फेस भी नहीं आ रहा तो अगर AI से वो उनका फेस लेंड कर सकते हैं ब्रांड्स को, तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट. स्काई इज़ द लिमिट. एंड टेक्निकली यू कैन बी एट मल्टीपल spaces at the same time. Right. I think so. Human presence की ज़रूरत ही शायद बहुत कम हो जाए, क्योंकि बहुत सारी endorsements में तो वैसे भी अभी technology का use, मतलब जैसे cars की ads होती है तो you know they are generated के जहाँ पे आप actual में road पे drive कर ही नहीं रहे हो, वो थोड़ा सा you know technology का use करेंगे ऐसा, तो वैसे भी कम है. अब AI के आने से तो वो ऐसे कितना सारा content shoot कर सकते हैं. I'll give an example. There is a creator. It's not a creator. He's a startup person. He has done a few companies. He's also a creator now. He speaks a lot in the AI world. His name is Varun Maya. Correct. And he has a page on Instagram and he has a podcast on YouTube as well. And so he created his AI avatar. He has his video clone and a voice clone made. There was a time where he had to travel to Dubai. And there was an urgent reel that he had to make. He couldn't go back to his studio in Mumbai. Correct. So his AI avatar was in the reel and his team edited that in Mumbai and they posted it on his channel, and he was in Dubai working at the same time. So imagine, again, it's the efficiency increase. Correct. तो अभी आप deep fake का या तो आप मुझे कुछ AI का यहाँ पे within the podcast कुछ ऐसा live demo दे सकते जो हम कर सकते हैं यहाँ पे. Yeah, why not? Can we do? कुछ म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, मतलब ओरिजिनल नया म्यूज़िक क्रिएट करते हैं. वी डू टू थिंग्स. एक, हम बॉलीवुड गाना बनाते हैं. हाँ, ठीक है. और दूसरा, लेट्स ट्राई एंड मेक अ जिंगल फॉर अ ब्रांड. ठीक है, दोनों चीज़ें, मतलब जिसमें गाना गाने वाला कोई सिंगर भी, कोई सिंगर नहीं, कोई राइटर नहीं, कोई कंपोजर, कोई म्यूज़िक कंपोजर नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं. जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि अभी समझो फॉर एग्जांपल, एक तो आप बॉलीवुड सॉन्ग नया पूरा फ्रेश क्रिएट करते हैं. ओके, ठीक है. और एक अभी जैसे जून में मेरे ख्याल से इंडिया में क्रिकेट का क्रेज, वर्ल्ड कप आ रहा है 2020, तो उसका एक थीम सॉन्ग क्रिएट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दी बॉलीवुड सॉन्ग. ठीक है, मैं एक सिंपल चीज़ कर रहा हूँ. वी ऑल नो ChatGPT, अभी तो इतना पॉपुलर हो गया, सबको पता है. तो मैं ChatGPT यूज़ करूँगा टू क्रिएट लिरिक्स. ओके, ठीक है. सो आई विल से राइट मी हिंदी में चाहिए, हिंदी बॉलीवुड हिंदी हिंदी बॉलीवुड सॉन्ग. देखो, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लो, क्या हो रहा है उस गाने में, किसके बारे में बात कर रहे हैं. पार्टी सॉन्ग जैसा, पार्टी सॉन्ग. दिल्ली का कोई बंदा गया है क्लब तो पार्टी करने. इंडियन हिप हॉप टाइप. वो हनी सिंह वाला सॉन्ग था ना, पार्टी ऑल नाइट पार्टी ऑल नाइट, लाइक हनी सिंह, लाइक हनी सिंह भी लाइक देते हैं, देखते हैं क्या आता है। ऐसा आप लिख सकते हैं, हनी सिंह टाइप सॉन्ग दीजिए। लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट वी गेट। बॉलीवुड सॉन्ग लाइक हनी सिंह। नहीं तो आप सिचुएशन दे दीजिए, दिल्ली बॉय 25-year-old गोइंग टू अ क्लब टू पार्टी with his gang about Delhi boy, about a 25-year-old Delhi boy, correct? Young Delhi boy लिख सकते हैं, age नहीं लिखना तो। Going to party with his gang to a posh Delhi club. Take this thing, huh? Posh Delhi club. Let's see. तो ये आप लिरिक्स जनरेट करेंगे। हाँ, तो अभी लिरिक्स आ गए, हो गए, हिंदी में आए, सब हिंदी में आए हैं। अब इसको आप सॉन्ग में कन्वर्ट करें। कमाल है। ये कॉपी कर, तो हम पहले क्या करेंगे, हम यहाँ से ChatGPT से इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? अब मैंने देखा नहीं लिरिक्स क्या आए हैं, होपफुली दे आर फाइन। कुछ अश्लील शब्दों का इस्तेमाल ना हो। हाँ, वो देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में क्लब में जा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, अभी मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, विच इज़ कॉल्ड सुनो। सुनो सुनो इज़ ए आई प्लेटफॉर्म, जस्ट मेड एक्चुअली मेड फॉर म्यूजिक। ओके, सो इट हैज़ अ कस्टम मोड। उसमें मैंने लिरिक्स डाल दिए, ठीक है, ChatGPT से कॉपी करके। अगेन ये स्टाइल पूछ रहा है, तो हम सिमिलर प्रॉम्प्ट लिख के देखते हैं जो हमने ChatGPT में लिखा था। तो ये आपको ये लिरिक्स नहीं करेगा, ये जो है सॉन्ग लिरिक्स भी कर सकता है, लेकिन आपको लगता है लिरिक्स ChatGPT बेटर क्रिएट करता है। एंड ChatGPT में आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं अबाउट द लिरिक्स। ये लिरिक्स रैंडम जनरेट करे। ओके, तो जैसे पहले लिरिसिस्ट में चॉइस होती थी कि जावेद अख्तर को ले, ये इनको ले, वैसे अब सॉफ्टवेयर में चॉइस हो जाएंगी, ChatGPT से करे या सुनो से करे। वाह, लेट्स सी क्रिएट दबा के क्या होता है। तो नॉर्मली सुनो आपको एक बार में 2 ऑप्शंस देता है जो आपको अच्छा लगे। okay. जैसे यार रहमान को आप थीम बता दे तो वो भी एक सॉन्ग, 2-2 सॉन्ग क्रिएट करता है कि आपको जो ठीक लगे। तो इनफैक्ट वैसा ये म्यूजिक में बहुत अच्छे टूल्स आ गए। देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड किड्स एआई। अगर आपको यशराज मुखाटे पता होगा, very popular person on YouTube. Okay. Correct, and he has made songs which have gone viral on social media. Wow. Like रसोड़े में कौन था। अच्छा, वो है, got it. तो उन्होंने अभी एक recently नया गाना बनाया था, आज तो संडे है। Okay. Correct. And उसमें अगेन एक मीम से एक बच्चे की आवाज़ ले ली थी और उसके अराउंड एक गाना सॉन्ग क्रिएट कर। अभी उस सॉन्ग क्रिएट करने में भी व्हाट ही डिड वाज ही यूज्ड किड्स एआई, एंड उनको कुछ आवाज़ दूसरे बॉलीवुड सिंगर्स की भी चाहिए थे उसमें, बट मतलब कुछ पार्ट्स ऑफ द आवाज़, जैसे विशाल ददलानी का हस्कीनेस चाहिए था उनको खुद की आवाज़ का कुछ अलग टोन चाहिए था, किसी और की आवाज़ का कुछ अलग टोन चाहिए था। सो ही यूज किड्स एआई टू क्रिएट अ डिफरेंट वॉइस विच हैड पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ ऑल अदर वॉइसेस, एंड फिर ही यूज दैट इन द सॉन्ग which went viral. Oh. So yeah, so this is the first result we have. Let's see how it sounds. Chhude gale hum city Delhi hamari, Bollywood style mein life hamari pyari, mere yaar saare reti car mein saj baje, DJ wala night ke sabke mood baje. का छोरा पानी में धामा, गैंग के साथ नाचेंगे हम कम्मा, फ्लोर पे जलवा लूटी सारी महफिल, दिल्ली के क्लब की सारी महफिल, दिल्ली के क्लब में जीते सारी दिल। बहुत बढ़िया है। और आपने इसमें बहुत शॉर्ट प्रॉम्प्ट भी डाला था, इसीलिए ये 2-3 चीज के बारे में ये बात कर रहे हैं, दिल्ली क्लावी। अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन डाले तो ये तो क्या क्रिएट कर। सो अगेन दिस इज नॉट अ यूजेबल सॉन्ग, इट्स क्रैप, करेक्ट, बट टेक, बट यू स्टिल सी दी इट्स साउंडिंग लाइक अ सॉन्ग। कोई ये नहीं बोल सकता कि ये यू नो AI से क्रिएट किया हुआ है या किसी सिंगर ने नहीं गाया है। I would say these things are a very good tool for maybe also producer who's producing songs. I feel very good ideas are technically crazy ideas. Correct. तो उनको टेस्ट करने के लिए आप ये यूज कर सकते हो, तो उसी की क्या फाइनली चाहिए कि आउटपुट कैसा आ रहा है, राइट, एंड देन पुट इन द एफर्ट टू एक्चुअली जनरेट द रियल थिंग। करेक्ट करेक्ट। हम इसका एक वो वर्ल्ड कप वाला जो था वो कर सकते हैं। तभी मैं चैट जीपीटी में वापस गया हूँ। और आप इंडिया के हिसाब से डालना, मतलब एक वर्ल्ड कप सॉन्ग लेकिन इंडियन पर्सपेक्टिव से। सैमसंग जनरेट अ क्रिकेट वर्ल्ड कप सॉन्ग फॉर इंडिया। देखिए T20 लिख दो, वर्ल्ड कप ही लिखिए, नहीं तो वो सॉन्ग में T20 बोलने लगेंगे। लेट्स सी, सो डू यू वांट दिस इन इंग्लिश? हिंदी में हो? हाँ, हिंदी में फील आएगा इंडिया के लिए तो फिर चल। सो नाउ आई स्टिल जनरेटिंग। कितना टाइम लगता है जब आप जनरेट का बटन दबाते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 मिनट, नहीं, फ्यू सेकेंड्स। ओके, यहाँ भी 2 ऑप्शन मिलेंगे ना। इसमें कैसा म्यूजिक चाहिए? थोड़ा मोटिवेशनल टाइप का। तो नाउ टेक्निकली यू शुड आल्सो टाइप दिस। अभी मैंने सिर्फ इतना डाला, जनरेट अ क्रिकेट वर्ल्ड कप सॉन्ग फॉर टीम इंडिया। करेक्ट, तो हम मोटिवेशनल लिए कर सकते। अच्छा प्रॉम्प्ट, द पर्सन हु वुड प्रॉम्प्ट दिस बेटर would normally say कि after generated cricket world cup song for team India, motivational song motivational and high impact. I can see in the lyrics they are talking about Kohli and Rohit Sharma. Let's see. उन्होंने खुद से जनरेट कर लिया। मैं स्टाइल ऑफ म्यूजिक में मोटिवेशनल, ऑर्केस्ट्रल, आई थिंक मोटिवेशनल एक है, बाकी तो exuberant या क्या हो उसको बोल सकते हैं। So style of music, so instead of you can say instruments कैसे होने चाहिए, या hip, should it be hip hop, should it have orchestra in it? I think hip hop style ही हिंदी है तो जाएगा। Again I still don't know the lyrics अच्छी से, but let's see। आप अपने हिसाब से डालिए, आप हम आउटपुट देखते हैं। Epic डालता हूँ, epic, motivational, high impact, let's see। ये अच्छा, अगर सॉन्ग जनरेट हुआ तो टीम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, शायद सुन के मोटिवेट हो जाए, जीत जाए। वापस ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं हारना है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं। हम है प्यार या लड़ाई का ये मैदान, भारत माँ की शान में देंगे अपनी जान, हर गेंद पे जोश है, रन में जुनून, टीम इंडिया की ताकत जैसे सूरज की धूप, हम लाएंगे कपूर, ये वादा हमारा है, दिल में जुनून, आँखों में सितारा है, नीली जर्सी में जब हम उतरेंगे, जीत का जश्न पूरे देश में मनाएंगे, हम लाएंगे कप। क्या बोल रहे हैं? हम लाएंगे कप। वो हम लाएंगे कब खुद ऐसा ये काफी अच्छा रिजल्ट है। इस पे अगर थोड़ा काम करे तो ये वेरी गुड बन सकता है। यस यस यस। सो लाइक इवन रेफरेंसिंग इन दी एड वर्ल्ड व्हाट वी आल्सो डू इज जब भी आप पिच करते टू अ ब्रांड you also have to do referencing and आपको दिखाना पड़ता है आपका विजन क्या है, आप क्या सोच रहे हैं। करेक्ट। And with these tools you can generate very good examples and help people come on the same page। आप लोगों को और अच्छे से समझा सकते हो कि जैसे मैं ये गाना दिखा सकता हूँ। हाँ। This is not the final song that we'll use, of course। करेक्ट। इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं हुई है, वोकल्स इतने अच्छे नहीं है, but it still gives you an idea of what is the kind of output I want। हाँ, अभी डीपसेक का अगर कहे तो आप पे मुझे सौरव गांगुली मुझे सामने चाहिए और मुझे कुछ वर्ल्ड कप के बारे में उनसे बात करनी है, तो आप प्रेजेंट करिए सौरव गांगुली को। हाय दादा, सो इट्स बीन सो मेनी इयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रिविलेज टॉकिंग टू यू। मुझ जैसे पॉडकास्टर को आपसे बात करने का मौका मिला तो ये तो मेरा सौभाग्य है। वेरी हैप्पी टू बी हियर। Thank you so much. I hope you are actually. So मैं ये पूछ रहा था कि अभी ये वर्ल्ड कप आ रहा है जून महीने में, तो IPL खत्म होने आई है, क्या लग रहा है आपको इंडिया के चांसेस का? Has a very good chances. Everyone is in form. I think जीतने के चांसेस तो बहुत अच्छे हैं हमारे। ओके, लेकिन थोड़ी कंट्रोवर्सी पहले चल रही थी, टीम क्या होगी क्या नहीं होगी, सीनियर्स को रेस्ट दिया जाएगा, रोहित शर्मा होंगे नहीं होंगे, फिर तो रोहित शर्मा को कैप्टन अनाउंस कर दिया, विराट कोहली पे सवाल थे, तो आपको लगता है टीम सही सिलेक्ट हुई है अभी? मेरे हिसाब से इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन एंड एवरीवन इज इन वेरी गुड फॉर्म और हमें उन पर पूरा भरोसा है एंड आई एम श्योर दिल को फॉर्म वेरी वेल। तो फाइनल्स में कौन आएगा, जीतेगा कौन, ये तो प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे दादा? 4 सेमीफाइनलिस्ट इंडिया ऑफकोर्स, ओके, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और चौथा साउथ अफ्रीका। ओके, वेस्ट इंडीज़ आप नहीं रख रहे, यूएस में है, वेस्ट इंडीज़ में हो सकता है वेस्ट इंडीज़ का चांस कुछ हो सकता है, बट आई स्टिल फील सो मोर और लेस यू आर गोइंग विद द बिग फोर। ओके, खूब भालो दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो मुझे ये पूछना था कि आप खुद कंटेंट क्रिएटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आप करते हो, तो आप एग्जैक्टली AI का यूज़ कहाँ करने वाले हो, कैसे करने वाले हो? सो एक जैसे हमने बताया हमने कैंपेन किया ही था विद सौरव गांगुली, हमने उनका वीडियो अवतार बनाया था, सो दैट इज वन बिग वे दैट वी यूज्ड हियर रिसेंटली। हैविंग सेड दैट वी आर आल्सो वर्किंग विद अदर बिगर डायरेक्टर्स एंड हम एक टर्म होता है प्री विजुअलाइजेशन बनाना ऑफ फिल्म, करेक्ट? तो व्हाट ही वांटेड वाज ही इज नाउ गोइंग टू अ एक्टर टू पिच हिज फिल्म। ओके, तो वो करने के लिए इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग एंड नरेटिंग द स्क्रिप्ट को था कि मैं एक विजुअल उनको दिखाऊं टू द एक्टर, करेक्ट? तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम अभी काफ़ी दूसरे टूल्स AI के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वन ऑफ देम इज मिड जर्नी, उससे हम इमेजेस जनरेट कर रहे हैं। फिर हम लोग फेस स्वैप करके उस एक्टर का फेस भी डाल दे रहे हैं उसी फोटो में। ओके, तो दैट शूटिंग द रोल और नॉट, ये सब चीजें हो रही है। ओके, प्लस दूसरे टूल्स यूज़ करके हम उन फोटोज़ को एनिमेट कर रहे हैं। ओके, फिर हमें वॉइस ओवर और म्यूज़िक लिया, जैसे हमने सोनो यूज़ किया तो हमने सोनो का एक उस पर म्यूज़िक भी डाल दिया, एक हम AI जनरेटेड वॉइस ओवर भी डाल रहे हैं। करेक्ट। तो हम ऐसे सीन्स क्रिएट कर रहे हैं फॉर दी विजुअलाइजेशन ऑफ द एक्टर, करेक्ट? ऐसा एक वो बना रहे हैं हम। फिर हम काफ़ी, जैसे मैं आपको वॉइस के बारे में बात कर रहा था, ऑलमोस्ट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स we haven't recorded a voiceover for any of our ads or corporate films. Okay, मतलब background में जो बोल रहे होते हैं, हाँ, जो description वगैरह या बात करते, तो आप किसी को hire करते ही नहीं उसके लिए? नहीं, हम जो voiceover actors के साथ हमने काम किया है, उनके साथ हमने उनका voice clone बनवा दिया है। ओके, तो आप उसको रिपीट करते हैं, आप कम्प्लीटली नया भी तो क्रिएट कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, वॉइस जनरेटेड भी इन टूल्स के पास उनकी खुद की वॉइस भी होती है, करेक्ट? आप यूज़ कर सकते हो और टेक्स्ट को आपके स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं, करेक्ट? आपको स्पीच टू स्पीच भी मिल जाता है कि आप बोल लो पर फिर दूसरी आवाज़ में वो मिलेगा आपको। वाओ, तो इसका यूज़ तो मतलब अभी कुछ 2-3 चीज़ें दिमाग में आ रही है, आप इसका यूज़ कहाँ नहीं कर सकते? मतलब जैसे आपका घर अगर बन रहा है, इंटीरियर डिज़ाइन करवाना है, तो कैसा लगेगा ये आपको चेक करना है, तो आप ये कर सकते हैं। अगेन टूल्स, आप अपना रूम का फोटो निकाल लो, हाँ, उसमें डालो दी काइंड ऑफ स्टाइल यू वांट, करेक्ट, आपके रूम को वैसा एक इम्पैक्ट दे देगा, करेक्ट करेक्ट, एंड फिर देन यू कैन शेयर इट टू योर डियर डिजाइनर कि दिस इज द फील आई वांट, एंड दैट विल हेल्प हिम अ लॉट और हर अ लॉट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वाइब वी आर गोइंग फॉर. करेक्ट करेक्ट. ऑन अ लाइटर नोट, मतलब कपल्स कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो पहले एआई से चेक कर सकते हैं कि हम 5 साल बाद साथ में कैसे लगेंगे, 10 साल बाद कैसे लगेंगे, तो वो बेसिस पे डिसीजन ले, तो ये भी हो सकता है. लेकिन पॉसिबिलिटीज़ तो है. जैसे आपने वो जो आपने एग्जाम्पल बताया जहाँ पे डायरेक्टर ने एक्टर को ये भेजा, ये अदर वे राउंड भी हो सकता है. कोई बड़ा डायरेक्टर है, वो कास्टिंग सोच रहा है अपने मूवी की, तो 2-3 एक्टर्स का फेस ट्राई करके देख सकता है कौन सूट हो रहा है ये रोल में, और वही कर सकता है. तो पॉसिबिलिटीज़ तो एंडलेस है. लेकिन आई एम श्योर इसका जो गलत इस्तेमाल, पॉसिबल गलत इस्तेमाल है, जैसे डीप फेक में, हाँ ये कहना ज़रूरी है. ऑफ लेटली मैंने खुद काफ़ी सारे वीडियोस देखे और भी सारे होंगे जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो या स्पोर्ट्समैन हो. जैसे विराट कोहली का मैंने एक डीप फेक देखा था जिसमें वो कुछ गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं, वैसी कोई बात है. तो ये सब चीज़ का इस्तेमाल होने से यू नो पॉजिटिव यूज़ थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि डर आ जाता है. तो आई थिंक ये स्टॉप कोई तरीके से करना ज़रूरी है. इसके अलावा आई थिंक तो इसका बहुत फ़ायदा बिजनेस अच्छा यूज़ करे तो बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं. आई वुड लाइक टू गिव यूक्रेन गवर्नमेंट का एग्जाम्पल. दे क्रिएटेड एन एआई न्यूज़ एंकर और वो कुड शेयर न्यूज़ ऑल अक्रॉस द कंट्री. ओके करेक्ट. एंड उन्होंने क्या किया सो दैट मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना हो. हाँ. तो उस वो एंकर जो भी वीडियो शेयर हो रहा है या गवर्नमेंट जो भी वीडियो शेयर कर रही है विद दी सिटीजन्स, उस वीडियो के ऊपर एक क्यूआर कोड होता है. तो लोग उस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं एंड वो जो डॉक्यूमेंट है जिसके रेफरेंस में वो एंकर बात कर रहा है, अच्छा, वो खुल जाता है. सो अंटिल अनलेस दैट क्यूआर कोड इज वर्किंग दैट मीन्स इट्स अ लेजिट वीडियो. करेक्ट. इफ इट्स नॉट वर्किंग मतलब इससे कुछ टैम्पर हुआ है वीडियो के साथ. करेक्ट. तो ये आई थिंक सब कंट्री सब जगह पे ये कुछ ऐसा ले आ सकते हैं कि जब एआई का यूज़ हो रहा है, वेदर दिस इज़ जेन्युइन कंटेंट एज इन न्यूज़ में स्पेशली कि ये जेन्युइन न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है, ये तो वेरीफाई किया जा सकता है. एंड हमारे न्यूज़ चैनल्स भी यूज़ करना चालू करते हैं, लाइक आज तक. हाँ. दे हैव अ एआई एंकर जो वेदर इन्फॉर्मेशन देती है. हाँ. नाउ दे हैव अ एआई एंकर हु गिव्स द वेदर इन्फॉर्मेशन. ओके. किसी न्यूज़ चैनल का नाम लिए बिना, जो उनके एक्चुअल ह्यूमन एंकर्स है, आई थिंक उनके एआई एंकर्स विल डू अ फार बेटर. क्योंकि कुछ पर्टिकुलर राइट विंग लेफ्ट विंग वाला सीन ऐसा हो गया और थोड़ा मूवी की तरह प्रेजेंट करते न्यूज़ से ज़्यादा, तो आई थिंक एआई विल डू अ बेटर जॉब इन एट दैट. और उनका एक्सपेंस भी शायद कम हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग भी ना हो, तो मे बी दे कैन फाइनली गेट ब्रिंग आउट जेन्यून न्यूज़. सो एआई का एक लाइव एग्जाम्पल तो मैंने खुद भी देखा था. जैसे कि मैं भी अभी पॉडकास्टिंग मैंने रिसेंटली शुरू किया है, तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने शूट किया था, आपके साथ नहीं किया था वो, लेकिन फिर हमारी जब यू नो इंट्रोडक्शन हुई उसके बाद आपको मैंने वो वीडियो जब दिया तो उसमें ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम थी कि तो वो आपने कैसे एआई से कर किया उसका? तो अगर वो एआई इफ वी डिडंट हैव दोस टूल्स, हम शायद उस पॉडकास्ट को सेव ही नहीं कर पाते, वो वेस्ट हो जाता. इनफैक्ट शूट के टाइम पे माइक हिल रहे हैं. करेक्ट. एंड फिर भी हमारे दोस्त ने उसको ऐसा स्टेबल रखा ऑडियो कि उस पता ही नहीं चलता है कि माइक हिला या माइक का आवाज़ हिलने का निकाल दिया. पहले का ऑडियो और बाद का ऑडियो कंसिस्टेंट रखा. करेक्ट. अगर एआई नहीं होता तो वो पॉडकास्ट वेस्ट हो जाता. राइट. सो इससे मुझे ये चीज़ दिमाग में आती है कि सो जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स होते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट्स, एक्चुअल इक्विपमेंट्स, वो सब में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हुआ करती थी कि उसके बिना काम नहीं हो सकता था. तो अब क्या वो चीज़ें लेनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए? I have two separate answers for this. One, at present जो tools available हैं market में, I would say they are more corrective tools. Okay. So जैसे उस ऑडियो में प्रॉब्लम हो गई थी तो हम उसको करेक्ट कर लिया, बट हम उस पर डिपेंडेंट अभी नहीं रह सकते हैं. करेक्ट. देर आर टूल्स जो आपके वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा देंगे. करेक्ट. तो अगर इफ इट्स एन 720p और एन HD वीडियो, उसको आप 4K कर सकते हो. करेक्ट. देर आर टूल्स टू डू दैट. अगेन लिमिटेशंस हैं, उस वीडियो में थोड़ी सी सॉफ्टनिंग होने लगती है, इवन दो आपको रेजोल्यूशन बढ़ जाता है, बट देन कुछ एरर्स, छोटे मोटे एरर्स आते हैं और अभी भी the length of the video can't be like maybe more than a minute or two. Having said that, टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव हो ही रही है. पहले जो टूल्स थे ऐसा लगता था कि हॉलीवुड फिल्म्स ही उसमें यूज़ कर सकते हैं. आजकल यूट्यूब पे जो लोग फिल्म्स बनाते हैं तो के पास गिम्बल आ गए हैं. पहले लोगों को डॉली फिट करनी पड़ती थी ट्रैकिंग शॉट लेने के लिए. आज गिम्बल है, हाथ में लेके चलते जाओ. आज आपकी कैमरा इतने स्टेबल हो गए, शायद गिम्बल की भी जरूरत नहीं है. तो ये तो वैसे भी इम्प्रूव होती रहती है टेक्नोलॉजी. एंड फिल्म मेकिंग, कॉन्टेंट प्रोडक्शन और डेमोक्रेटाइज होते रहेगा. People will have the option to create more content in a cheaper way. Correct. Correct. वो तो होने ही वाला है. But this doesn't mean it will replace the equipments. शायद उनका यूज थोड़ा कम हो जाए, कुछ कुछ जगहों पे कम हो जाए, लेकिन 100% replacement तो नहीं जाने वाला. And at present जो state है इन tools का काफी अच्छा है, but वो सिर्फ correction के लिए आप यूज कर सकते. You can't depend on them. Correct. Okay. So आप कोई ऐसा, अगर मैं आपको पूछूँ कोई आपके पर्टिकुलर प्रोफेशन में कोई ऐसा एक इक्विपमेंट है जो आपको लगता है अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा जिस पे डिपेंडेंट है, वो शायद कम्प्लीटली ड्रास्टिकली नेक्स्ट 5-6 साल में कम हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए. ऑब्सोलीट या एज गुड एज नेग्लिजिबल यूज. नेग्लिजिबल यूज बट फर्स्ट कैमरा तो नहीं हो सकता. कैमरा नहीं, आई मीन कैमरा हो सकता है. कैमरा तो नहीं जाएगा, as in it will become, it will keep on getting smaller and better. वो तो होता ही रहेगा. And again इन कैमरास के अंदर भी काफ़ी AI tools काम कर रहे हैं. Correct. Without us even knowing. वो है. So वो कैमरा will keep on becoming better, but we obviously need something to shoot. Audio equipment जो हम अभी इतनी वायरिंग देख रहे हैं, it will become much simpler. सो मॉडिफिकेशन इक्विपमेंट्स आ सकता है कि उसका एक लाइटर वर्जन, चीपर वर्जन, स्मॉलर वर्जन वैसा हो जाएगा. राइट. सो ओवरऑल एक एआई का इंपैक्ट होगा एक पर्टिकुलर चीज में. आई रियली फील एडिटिंग विल बिकम वेरी सिंपल इन द. ओके ओके. आप ऐसा बोल सकते हो, आप अपना वीडियो डंप कर दो और आप बोलो कि इस ये मेरे शॉर्ट्स हैं, मुझे इस फिल्म की स्टाइल जैसा एडिट करके वीडियो दे दो. वाओ. और वो हो जाएगा. आई रियली फील दैट विल हैपन. तो आई थिंक वो एक बड़ा रेवोल्यूशन इन इट सेल्फ है, रादर देन कैमरा या माइक को रिप्लेस करना. क्योंकि एडिटिंग, अब कंटेंट तो क्रिएट कर दोगे लेकिन एडिटिंग में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है. तो वो अगर एआई कर देगा तो आई थिंक सो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. अगेन ऑफ कोर्स यू हैव टू बी अ गुड पर्सन, गुड एडिटर टू नो व्हाट काइंड ऑफ एडिट यू वांट. करेक्ट करेक्ट. मैं इसी चीज़ बोलने वाला था कि एआई को मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, बोलने वाला तो ह्यूमन ही है. सो द ह्यूमन माइंड, द यूनिकनेस ऑफ ह्यूमन माइंड विल ऑलवेज रिमेन. एंड आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्रिएट ह्यूमन ने किया, ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होता तो यूज़ नहीं होता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मेन गोल ऑफ दीज बिग कंपनीज, लेट्स से लाइक ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इज टू क्रिएट एआई जो टू सम एक्सटेंट इवन इज मे बी इवन मोर इंटेलिजेंट देन अ ह्यूमन. करेक्ट. बट एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है, आई रियली फील पीपल शुड कंसिडर एआई एज अ असिस्टेंट और उसको अच्छी से यूज़ करना चाहिए टू इम्प्रूव देयर ओन एफिशिएंसी. करेक्ट. आई थिंक कोई भी मशीन जो होती है उसमें एक एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है और ह्यूमन होता है उसमें एक एलिमेंट ऑफ इम्परफेक्शन होता है. आप 100 बार एक चीज़ करोगे, ह्यूमन कुछ तो अलग तरीके से करेगा. आई थिंक एआई एग्जैक्टली द ट्यूरिंग टेस्ट. या एंड आई थिंक एआई की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो, यू नो, इट कैन डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन इन द सेम वे. और ह्यूमन की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो अलग अलग तरीके से कर सकता है. बिकॉज दैट्स वेयर बोथ कैन नॉट रिप्लेस प्रॉब्ली ईच अदर. यू कैन से दैट. सो ऑन दैट नोट, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है हमने नहीं टच अपॉन करी, जो कर सकते हैं? एवरीथिंग ब्रॉडली वी हैव कवर्ड फेयरली. ओके फाइन. एवरीथिंग. और ये तो नेवर एंडिंग है. नेवर एंडिंग है. आई थिंक हम इस ये कह सकते हैं कि फॉर नाउ हमने इतनी बात की है. शायद नेक्स्ट पॉडकास्ट अपन एआई पे करें, तब कुछ और ही चीज़ के बारे में बात हो रही हो और नए टूल्स होंगे और लोग क्रिएटिव चीज़ें बनाएंगे. करेक्ट. तो होपफुली वील गेट अ चांस टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स अगेन. थैंक्स अ लॉट. आप तो हमारा कंटेंट बनाते मैं कैमरा से पीछे से यहाँ पे, तो सही है, लेकिन ये इस बहाने व्यूअर्स को ये भी पता चलेगा कि पीछे कौन है. तो दैट इज़ ऑलवेज अ गुड थिंग टू नो. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.